नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज निफ्टी 107 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, तो इस गिरावट पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कि निफ्टी आज 107 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 300 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में भी देखी गई है और 300 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट में आकर आज हुआ क्या है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे कल 9 घंटे की जो मीटिंग चली थी आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, सरकार और आरबीआई के बीच में जो भी मीटिंग चली, उसका जो आउटकम आया था, मेरे को वो आउटकम किसी मतलब का ही नहीं लगा। ऐसा कोई चीज ही नहीं थी जिसमें उन्होंने एक्शन लिया। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी मार्केट के लिए, जो कि एनबीएफसी में जो लिक्विडिटी क्रंच थी, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी राहत नहीं दी गई। पीसीए के जो बैंक थे उनको कोई भी राहत नहीं दी गई। उनको ये बोला गया कि आरबीआई दोबारा से उनको रिव्यू करेगी और रिव्यू करने वाले भी वही लोग होंगे। जो आरबीआई की ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही थी कि वहाँ पे भी सेम यही बोला गया कि यहाँ पे वो कभी दोबारा कमेटी बनाएंगे तब वो आप ऑडिट होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बातें टालने वाली चीज़ें। ये तो कह सकते हैं कि वो 9 घंटे का कोई डिसीजन नहीं था, वो तो 5 मिनट का डिसीजन था। 9 घंटे तो टाइम पास ही किया इन लोगों ने, क्योंकि इनका कोई मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब आप 3000 करोड़ का एक स्टैचू बना सकते हो, आप स्टैचू के लिए आपके पास पैसा है उस चीज़ को करने के लिए, तो एक शॉर्ट टर्म जो एक लिक्विडिटी क्रंच है, क्या आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट शायद गवर्नमेंट चाहती नहीं है ये सॉल्व हो और ये प्रॉब्लम बढ़ती रहे। तो शायद अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही मार्केट को यहाँ पे पसंद नहीं आया, उसी के चलते मार्केट में आज ये जबरदस्त सेल ऑफ देखा गया और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है, 107 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अगर मैं टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूँ, तो यहाँ पे जो 3-4 दिन की पिटाई हुई थी गेल की, तो उसका आज बाउंस पैक आया। नंबर 1 पे रहा गेल, 2 पे रहा अदानी पोर्ट, 3 पे रहा इंडसलैंड बैंक। अगर मैं यहाँ पे लूजर की बात करूँ तो सेम यस बैंक एक कॉमन हो गया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग एक कॉमन हो गया है और हिंडालको इसमें नया ऐड हो गया है। तो ये 3 रहे लूजर्स में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से, जहाँ पे कि 60.5 लाख 60.50 लाख टॉयलेट्स बने हैं अंडर स्वच्छ भारत अभियान में है। यानी इनके पास गिनती, टॉयलेट्स की गिनती बिल्कुल एक्यूरेट है, बट नोटों की गिनती करने में इनको 2 साल लग गए थे नोटबंदी के बाद। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शायद अपने जो प्लान होते हैं उनको बिल्कुल नोट डाउन रखती है, पब्लिक के जो लॉसेस होते हैं उनको इतना नोट डाउन नहीं रखती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बात है, स्वच्छ भारत में इतने सारे टॉयलेट्स बने हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो यहाँ पे आ रहा है बिटकॉइन की तरफ से, कि काफ़ी दिन बाद बिटकॉइन भी न्यूज़ में आया है कि बिटकॉइन ने जो अपना लेवल था $5000 का, उसको तोड़ दिया है और इस हफ्ते में ही करीब 30% की गिरावट हो चुकी है बिटकॉइन में। $4500 के आसपास काम कर रहा है बिटकॉइन। तो जिसके पास बिटकॉइन पड़ा है, किसी ने अगर ऊपर ले लिया था 8000, 9000, 10000 या 11000 के लेवल से, तो उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे गिरावट कितनी और रहेगी। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे HEG की तरफ से, जहाँ पे कि इनकी बोर्ड मीटिंग है शेयर बायबैक के लिए, कि कंपनी लगता है बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर रही है, तो इसके चलते मैनेजमेंट यहाँ पे प्लान बना रहा है बायबैक का। इसके चलते आज स्टॉक भी 5% ऊपर खुला था, उसके बाद थोड़ा सा वहीं ठंडा होकर बंद हो गया है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे यस बैंक की तरफ से। जैसे कि कल ही आ गया था अनाउंसमेंट, जो आर चंद्रशेखरन थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर के 3rd पर्सन है जिन्होंने रिज़ाइन किया है, एक जो ये ढूंढ रहे थे एक नया CEO, बट CEO तो मिला नहीं इनको, इन्होंने अपनी ही नौकरियां छोड़ दी हैं। तो इसके चलते आज यस बैंक का स्टॉक फिर 6% पिट गया। लेकिन एक चीज़ यस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप 180 के आसपास इसको एक्वायर करिए। ये बैंक कोई कह सकते हैं इसके नीचे जाने का कोई इसका कंसेप्ट भी नहीं बन रहा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पैनिक सेलिंग में एक बार 160 रुपये तक पहुंच जाए, बट 180 पे बहुत अच्छी जगह है जिसको लॉन्ग टर्म पे बाय करना है यस बैंक। तो डेफिनेटली इसको बाय करिए 180 पे, और जैसे ही ये मैनेजमेंट का सारा इशू खत्म होगा, एक नया CEO आएगा, एक नया मेंबर्स आएंगे, नए बोर्ड बनेंगे, उसके बाद ये बैंक काफ़ी अच्छा कर सकती है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसमें करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बैंक बंद ही हो जाएगी। तो इसको 180-175 पे खरीदिए यस बैंक को, काफी अच्छे ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं आपको। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ICICI बैंक की तरफ से, जहाँ पे ICICI बैंक करीब 25000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहती है। और जो NBFC का जो लिक्विडिटी क्रंच है, तो ये जो पैसा जाएगा जो NBFC को ये फाइनेंस करेंगे या NBFC को लैंड करेंगे, जिससे कि काफी अच्छा इनको फायदा मिल सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है।
तो जो बैंक के पास पैसा है अगर वो एनबीएफसी को देती है तो काफी अच्छा कह सकते हैं आप, एक डील काफी अच्छी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन हो सकता है यहाँ पे कि आप कितना ब्याज दोगे, तो ये सारी चीजें हो सकती है। इसी का प्लान बना रहा है आईसीआईसी बैंक और 25,000 करोड़ रुपये मार्केट से उठाने का प्लान कर रहा है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है रुपी की तरफ से, जहाँ पे रुपी की जो मजबूती थी वो कंटिन्यूअसली अभी चल रही है, करीब करीब कह सकते हैं बिल्कुल डे हाई पे ही जो रुपी था वो बंद हुआ है, जाके 71.44 का करेंटली प्राइस चल रहा है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे एप्पल की तरफ से, जहाँ पे कि एप्पल ने अनाउंस किया है कि जो नए आईफोन्स लॉन्च किए थे, जो कि आईफोन एक्स आर थे, एक्स एक्स मैक्स थे, मेरे को तो आज तक नाम भी समझ में नहीं आया उनके, उनका प्रोडक्शन कट करने की बात करी है एप्पल ने यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं आई है, इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं आई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यार कौन खरीदता है 1 लाख से ऊपर का एक मोबाइल फ़ोन, गिर जाए चोरी हो जाए तो इतना बड़ा नुकसान कौन करेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वो ही खरीदता है शायद। मैंने तो कभी, मेरे पास तो ये है iPhone 6s है, पता नहीं 2-3 साल पहले लिया था, तो चलता है अपना ठीक ठाक बस, तो इसी के चलते इन्होंने प्रोडक्शन कट किया है और देखते हैं अब कैसा होता है। इसी के चलते स्टॉक की भी जबरदस्त पिटाई चल रही है यहाँ पे, इसलिए नैसडेक वगैरह काफी तेजी से गिरे हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है जेड एयरवेज की तरफ से, जहाँ पे जेड एयरवेज और टाटा डील को लगता है टाइम लग रहा है, उसके चलते यहाँ पे स्टॉक तो टिका हुआ है अभी ऊपर, बट यहाँ पे कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हर दिन एक नई मीटिंग होती है, अभी तक फाइनलाइज प्राइस अनाउंस नहीं हुआ है। टाटा एयर ने ये भी नहीं बोला है कि वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने बोला है कि वो इंटरेस्टेड है, बट ऑन पेपर अभी सारी कुछ बातें नहीं हुई हैं, तो देखते हैं जेट एयरवेज कितने दिन तक ऊपर टिकता है और कब तक ये रूमर्स चलते हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे मारुति की तरफ से, जहाँ पे जो विटारा की जो बेसिकली वेटिंग पीरियड था उसको मारुति ने कम करने के लिए विटारा का जो इनकी विटारा ब्रिजा जो गाड़ी है उसका 10% से प्रोडक्शन हाइक करने का प्लान कर लिया है। यहाँ पे आप 10% ज़्यादा गाड़ियाँ बनाएंगे वो विटारा, ताकि जो वेटिंग पीरियड है वो घटता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, तो मारुति के लिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर वेटिंग पीरियड है गाड़ियों पर और उसके बाद वेटिंग पीरियड को घटाने की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है मारुति के लिए, और मारुति का स्टॉक भी काफ़ी ऊपर से गिरा हुआ है, तो एक्वायरिंग के लिए भी काफी अच्छी जगह है। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।